नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं बनाती हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी मसाला मशरूम रेसिपी ग्रेवी वाला। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख तो लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यहाँ पर मैंने देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक मशरूम का पैकेट, उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों पर कट कर लिया है। कट करने के बाद ये मार्केट वाला मशरूम है, देसी मशरूम नहीं है। इसको आप मैंने थोड़ा गर्म पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैं इसको दो या तीन पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश किया था। वॉश करने के बाद इसको अलग रख लिया। अब ये देखिए हमने मसाले पे लिया दो टमाटर, अदरक, दो प्याज, दो हरी मिर्च और बहुत सारा गार्लिक। और फिर हमने इसको कढ़ाई में थोड़ा सा इसको सॉटे मशरूम को हल्का सा सॉटे करेंगे। हमने कढ़ाई गर्म की, इसमें तेल डाला, मशरूम को सॉटे किया। फिर सॉटे हो रहा है उसको तेज मतलब उसको फ्राई होने दीजिए। फिर हम मसाला रेडी करते हैं। हमने जितना ही मसाला लिया था उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब चीज़ें रखे। धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्से में कट करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे जीरा खड़ा, फिर इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग डालेंगे। काली मिर्च और लौंग डालने के बाद हम इसको अच्छे से ये देखिए काली मिर्च और लौंग डालने के बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमारा ये मशरूम भी यहाँ पे फ्राई हो रहा है। ये ना फ्राई होने के बाद हल्का हल्का पानी छोड़ने ही लगता है। ये मशरूम फ्राई हुआ तो देखिए ये पानी जब छोड़ने लगेगा तो आप इसको निकाल लीजिए। फिर हमने कढ़ाई को धुल कर निकाल लिया। फिर हमने कढ़ाई को धुल लिया। धुलने के बाद इसमें हमने फिर उसमें दोबारा ये तेल डाल रहा है, तेल डाल लिया। फिर इसके बाद हम उसको डालेंगे जो हमने मसाला पीस के रखा था वो डालेंगे। थोड़ा सा पानी करके थोड़ा डालेंगे, उसको चलाएंगे, उसको अच्छे से भुनेंगे मसाले को। मसाले को भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच स्वाद अनुसार आप अपना नमक डालिए। फिर हमें डाला इसमें हल्दी पाउडर। फिर डालेंगे हम इस पर लाल मिर्च पाउडर। ये सिंपल तरीके से हम बना रहे, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं, बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी बनता है ये सब्जी। इसको इस मसाले को जब तक आप पकाना हो तो ये तेल ना छोड़ने लगे। जब आप देखोगे तेल छोड़ने लगा मसाला समझ जाने कि आपका ये मसाला रेडी है। ये देखिए हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा ये तेल छोड़ने लगा हुआ है। तो जैसे आप मसाला तेल छोड़ने लगे फिर आप उसमें थोड़ा सा मशरूम डाल दीजिए। मैंने जैसा ही फ्राई किया हुआ रखा था मशरूम डाल के इसको 5 मिनट तक तेज गैस पर मतलब हाई फ्लेम गैस पे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉटे किए। जितना ज़्यादा आप इसको ऐसे सॉटे करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप सॉटे कीजिए। सॉटे करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया पानी। पानी ही डालने के बाद इसको बहुत देर तक कम से कम अब 15 पानी डालने के बाद इसमें हम मिनट तक इसको पकाना है। फिर इसमें हम इसको सीक्रेट मसाला डालेंगे। ये देखिए ये सेजवान का फ्राइड राइस मसाला, आप इसको डाल के सब्जी बनाएगा बहुत यम बनती है, टेस्टी बनती है। देखिए मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया, बहुत स्पाइसी रहती है सब्जी, बहुत मस्त बनती है। उसको बड़ा करने के बाद हल्का सा हमने गर्म मसाला डाला। तो इसको हम ढक के हम 5-10 मिनट के लिए पका देंगे। इसको ढक देखिए 15 मिनट के लिए पकाना, फिर धनिया डाल के गार्निश करिएगा। 15 मिनट बाद देखिए आपका सब्जी हम रेडी हो जाएगा। आप भी ट्राई करिएगा कि सब्जी कैसा बना है, बहुत ही हम बनती है। वीडियो अच्छा लगा था।